दोस्तों कल का जो मीटअप था वो एक्चुअली में एक मीटअप था, मतलब इतनी पब्लिक, इतना क्रेज, एक स्टेडियम में खचा खच पब्लिक भरी हुई है। मतलब जब मुनव्वर के पहुंचने से पहले ही उस एक जगह पर दोस्तों 70,000+ लोग खड़े हुए थे, और अगर मैं आपको एग्जैक्ट काउंट तो कोई भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 1,00,000 के ऊपर पब्लिक एक स्टेडियम में भरी हुई थी, और सब सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर को देखने के लिए, मुनव्वर को सुनने के लिए और एक दीदार पाने के लिए आए थे। तो इस दीदार के लिए भाई क्या क्या चीज़ें उनको झेलनी पड़ी हैं और क्यों इस तरीके की बातें मुनव्वर को लेकर हो रही है कि भीड़ पैसों से वाला जो इंसिडेंट है वो जो पूरा मैं स्टेटमेंट कंप्लीट करूंगा, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांत है, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों एक बात तो है कि मुनव्वर ने ज़िंदगी में कुछ कमाया न कमाया, लेकिन हाँ एक चीज़ कमाई है कि उनके पीछे लाखों लोग खड़े हैं, करोड़ों लोग खड़े हैं, ये उनका विश्वास है। और सच में उतने लोग खड़े हैं जो कि उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं। अगर आपको याद हो कि मुनव्वर के गाने में शायद लाइन भी है कि कला ये देख मेरी सारे हक के वक्के रहते है 200 फैन पेज आइडल मुझको हक से कहते। अब तो वो 200 की वो 200 वाला अकाउंट मात्रा तो कब का पार हो गया होगा, अब तो कितने सारे फैन पेजेस बन गए होंगे और कितनी सारी पब्लिक उसमें ऐड हो चुकी होगी। लेकिन कल के इवेंट से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इस वीडियो को मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जी आप देख सकते हो मुनव्वर स्टेज पर हैं और पब्लिक इतनी सारी है कि आप पूछिए मत, ये आप देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के आने के बाद लोग ये कह रहे थे कि मतलब देखिए बहुत लोगों ने जो हेटर्स हैं ना उनका काम ही है सवाल उठाना, लेकिन मैं स्टेटमेंट कंप्लीट करता हूँ कि मुनव्वर के लिए भीड़ ये जो आई है वो पैसों से नहीं आई है, ये खाली प्यार से मोहब्बत से आई है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।